तो दोस्तों, मुश्किलों का क्या है, वो तो हर किसी की राह में आती ही रहती हैं। बात तो तब है जब आप उन्हें सही यहां पे मुकाम तक, सही अंजाम तक पहुंचा देते हो। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। स्टार्ट करते हैं 28 फरवरी 2019 की न्यूज के साथ। मैं अन अकेडमी पर भी हूं, आई एम अ वेरीफाइड एज वेल एज अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। तो अपने मोबाइल की अन अकेडमी ऐप पे भी आप लोग मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हो, वहां भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस करंट वीडियो की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो गई थी पहले ही। स्टार्ट कर देते हैं। तो पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिली, इंडियन एयरफोर्स प्लेन शॉट डाउन, पायलट टेकन कैप्टिविटी बाय पाकिस्तान आर्मी। ये न्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन में ले चुका हूं। तो हम लोग 28 फरवरी की सिर्फ उन्हीं न्यूज को कवर करेंगे जो कि आप लोगों के लिए यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों को मैं 1 मार्च को भी बता चुका हूं, 27 फरवरी को भी बता चुका हूं। ओके, तो यहां पे हम लोग कवर करेंगे अबाउट सिंपली पुट क्वेश्चंस एंड आंसर, हाउ POW मस्ट बी ट्रीटेड। तो जो यहाँ पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, विंग कमांडर अभिनंदन जी के केस में जिस चीज का जिक्र आ रहा है वो है जेनेवा कन्वेंशन। बेसिकली इंडिया ने यहां पे डिमांड किया कि इमीडिएट रिटर्न हो जानी चाहिए इंडियन एयरफोर्स पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमन जी की, जिसको यहां पर पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था आफ्टर हिज MI-21 जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इट वॉज शॉट डाउन इन POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ड्यूरिंग अ डॉग फाइट। क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, LOC को 2 F-16 पाकिस्तान के विमान ने क्रॉस किया, यहां पे हमारे MiG-21 ने यहां पे उड़ान भरी और यहां पे एक F-16 को मार गिराया। दूसरा F-16 जब लौटने लगा उसका पीछा करते करते हमारा MiG-21 भी चला गया और MiG-21 के ऊपर थोड़ी सी फायरिंग हुई, जिसके अंदर यहां पे अभिनंदन वर्थमन जी थे और उन्हें पैराशूट से इजेक्ट करना पड़ा और यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लैंड करना पड़ा। ओके, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने उन्हें कैप्टिविटी के अंदर रखा, कैप्चर कर लिया और इंडिया यहां पे डिमांड कर रही थी उनके इमीडिएट रिटर्न की। फाइनली उनकी जो सेफ रिटर्न है वो हो चुकी है, बहुत ही खुश भरा वो पल था। यहां पे हम लोगों को कवर करना है कि जेनेवा कन्वेंशन असलियत में है क्या, जिसके बारे में यहां पे सब लोग बात कर रहे हैं। आपने वो वीडियो तो देखी ही होगी जिसके अंदर यहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन जी से बहुत सारे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, बट जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ रहते हैं, उनका मिशन क्या था, वो यहाँ पे पाकिस्तान किस वजह से उन्होंने यहाँ पे अपना जो प्लेन था उसे एंटर करवाया, उन्होंने उन सब चीजों को मना कर दिया और एक ही लाइन बोली, ही इज नॉट सपोज टू टेल दैट। उन्होंने ये लाइन क्यों बोली, बिकॉज अंडर द जेनेवा कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको सिर्फ अपना नाम, अपनी रैंक, वो किस रैंक पर हैं और अपना सीरियल नंबर ही बताना पड़ता है और उसके अलावा उन्हें कोई और चीज बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बड़ा सवाल आप लोगों के लिए कि यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन होता क्या है। बेसिकली दी 1949 जेनेवा कन्वेंशन बेसिकली एक सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज है जो कि इस चीज को एंश्योर करता है कि अगर दो कोई यहाँ पे देश वॉर के अंदर है, मान लो एक देश ए है और एक देश बी है, दोनों यहाँ पे वॉर के अंदर है और उन्हें वॉर के अंदर भी यहाँ पे जो जिन लोगों को वो पकड़ लेते हैं, चाहे वो सिविलियंस हों, चाहे वो यहाँ पे मेडिकल पर्सनल्स हों, या वो सोल्जर्स भी हो सकते हैं, वो कम्बैटेंट भी हो सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में फाइट के अंदर एंगेज नहीं है। जैसे किसी सोल्जर को पकड़ लिया गया है तो जब उसको पकड़ लिया गया है तो वो अब लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी सिविलियन को पकड़ने के बाद या मेडिकल पर्सनल को पकड़ने के बाद यहाँ पे किया जाएगा, जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वाउंडेड या सिक सोल्जर्स। तो जो भी जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर सिग्नेटरी टू द जेनेवा कन्वेंशन। ओके, ऐसी कोई भी देश नहीं है जो कि जेनेवा कन्वेंशन की सिग्नेटरी ना हो, और इसके अंदर यहां पे 4 कन्वेंशन है और इसके अंदर 3 प्रोटोकॉल्स हैं एंड दे हैव बीन एडेड ऑन सिंस 1949। यहां पर एक बड़ा सवाल कि डज द कैप्चर्ड पायलट, कि यहां पे जो विंग कमांडर अभिनंदन जी हैं उनको प्रिजनर ऑफ वॉर समझा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
मैं आपको बता दूं, यहां पे विंग कमांडर अभिनंदन जी की वापसी हो चुकी है और पाकिस्तान ने उनकी वापसी एज अ सिविलियन की है। ओके, कि जैसे किसी सिविलियन को पकड़ लिया जाए, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि अगर पाकिस्तान एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर यहां पे अभिनंदन जी को वापस करता तो यहां पर बहुत सारी चीजें अंडर दी जिनेवा कन्वेंशन पाकिस्तान वॉयलेट कर चुका था। जिस तरीके की वीडियोस वायरल हो गई थी उससे वो चीजें साफ होती जा रही थी कि पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उनको ब्रेकआउट किया है। तो यहां पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर के टाइम पे ही जिनेवा कन्वेंशन अप्लाई होता है, ये जब पीस टाइम सिचुएशन होती है उस समय भी अगर कोई व्यक्ति सरहद पार कर जाए उनके ऊपर भी यहां पे जिनेवा कन्वेंशन अप्लाई होता है। यहां पे अगर कोई कंफ्लिक्ट भी नहीं है दोनों पार्टी के बीच में उस समय भी अप्लाई होता है। और इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक जो W वर्ड है, जो वॉर वाला शब्द है, उसको अनाउंस नहीं किया, तो वॉर वाली कंडीशन नहीं बनी थी, तो यहां पे पीस टाइम सिचुएशन ही ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाएगा। ओके, साथ ही इंडिया ने तो अपनी एयर स्ट्राइक में इस चीज को भी साफ कर दिया था कि हमारी जो एयर स्ट्राइक थी वे वर नॉन मिलिट्री इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन। हमारा इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन था, हम लोगों को पता था हम लोग कहां बम फोड़ने वाले हैं, कहां स्ट्राइक करने वाले हैं, क्या हम लोग कैसी चीजें करेंगे, सारी की सारी हमारे पास अच्छे इनपुट थे एंड इट वॉज अ नॉन मिलिट्री। हम लोगों ने आपकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारा जो मेन जो यहां पे जो टारगेट था वो यहां पे थे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो इस वजह से यहां पे जो विंग कमांडर अभिनंदन जी हैं उनको वो सारे के सारे राइट्स मिले जो कि यहां पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिलते हैं अंडर दी जिनेवा कन्वेंशन। सो यहां पे असलियत में प्रोविजंस क्या हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर, तो द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर इज डेल्ट विद बाय द थर्ड कन्वेंशन, जो जिसका तीसरा कन्वेंशन है वो ट्रीट करता है। इसके अंदर है यहाँ पे 143 आर्टिकल्स जो यहाँ पे स्प्रेड हैं 5 सेक्शंस के अंदर, एनेक्सेस के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को रखते हैं कि यहाँ पर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है या कोई कैप्टिविटी के अंदर है उनको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, उनको कोई रिलीजियस नीड है, उनको कोई यहाँ पे अपनी वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए कोई सामान चाहिए, उन्हें कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए कोई यहाँ पे चीज चाहिए, उन्हें कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, उनको किस तरीके का वर्क प्रोवाइड किया जाएगा कैप्टिविटी के अंदर, उनको कैसे यहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा कैप्चर्ड ऑफिसर्स के साथ, या रैपैट्रिएशन भी किया जाएगा प्रिजनर्स का, उनको वापस भेजा जाएगा उनके कंट्री के अंदर, उन सब चीजों का इस पर्टिकुलर ट्रीटी जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जिक्र है। जो थर्ड कन्वेंशन है इट इज एन अनएम्बिगुअस अबाउट हाउ प्रिजनर्स मस्ट बी ट्रीटेड, और यहां पे एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया वो है ह्यूमेनली, उनको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करा जाना चाहिए जैसे कि इंसानियत अलाउ करती है। इसके अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के अंदर, एनी अनलॉफुल एक्ट, कोई भी अनलॉफुल एक्ट और ओमिशन बाय द डिटेनी पावर। अब इस पर्टिकुलर जो हमारा केस है इसके अंदर डिटेनी पावर कौन है, पाकिस्तान। ओके, तो जो डिटेनी पावर है कॉजिंग डेथ या सीरियस एंडेंजरिंग द हेल्थ ऑफ अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को यहाँ पे कैप्टिविटी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जाता है या उन सारी की सारी चीजों को यहाँ पे ब्रीच ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन माना जाएगा कि जिनेवा कन्वेंशन को ब्रीच किया गया है, उनको यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी मेडिकल या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, उनको यहाँ पे मेडिकल डेंटल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भी उन जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, यहाँ पे उनको टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता है, उनको इंसल्ट नहीं किया जा सकता, पब्लिक क्यूरियोसिटी को यहाँ पे इंटीमेट नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है उनके सामने भी उनके लिए कोई यहाँ पे गलत चीजें नहीं कही जा सकती, और इन सब चीजों को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है अंडर दी आर्टिकल नंबर 13 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। और क्या क्या यहाँ पे प्रोविजंस हैं इन दिस पर्टिकुलर सेंस, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ब्लाइंड फोल्ड थे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी, यहाँ पे identifying himself to his captives could be held as a violation to the Geneva Convention, कि उनको blindfold क्यों किया गया था। दूसरी वीडियो ये आई थी जहां पे वो ये कह रहे हैं कि उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया है, और यहाँ पे तीसरी वीडियो में थी जहां पे उनको सिविलियन क्लोथ्स में कुछ यहाँ पे लोग थे जो उनको यहाँ पे गलत व्यवहार कर रहे थे उनके साथ एक छोटी सी नदी के अंदर। ये इस तरीके के इवेंट्स आए जो कि कहीं ना कहीं जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट करते हैं। अभी आपको एक और यहाँ पे वीडियो आप लोगों के सामने आ गई है जो आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन जी की, और मैं आपको बता दूं वो जो पाकिस्तान ने वीडियो रिलीज करी है उसमें से 100 से ज्यादा यहाँ पे कट्स हैं, मतलब यू कुड नॉट बिलीव कि एक 5-6 मिनट की वीडियो में 100 से ज्यादा कट कैसे हो सकते हैं। उन सब चीजों को भी इंडिया यहाँ पे
जिनेवा कन्वेंशन के अंदर लेकर जाता, बट पाकिस्तान ने उनको एज अ सिविलियन वापस किया है। ये कुछ मुद्दे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। नाउ व्हाट आर द राइट, अबे व्हाट राइट्स इज अ पीओडब्ल्यू एंटाइटल, क्या यहाँ पे अधिकार होते हैं किसी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के? तो आर्टिकल 14 के अंदर उनको सारे के सारे अधिकार होते हैं कि उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाएगी, ऑनर दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी उन्हें फोर्सफुली उनसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा जा सकता किसके फिजिकल या मेंटल टॉर्चर की मदद से। यहाँ पे अगर उन्होंने किसी आंसर को देने से मना कर दिया, किसी क्वेश्चन के जवाब देने से मना कर दिया, तो उसके लिए कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा। तो बिल्कुल उनको ह्यूमेनली ट्रीट किया जाएगा, उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उनको यहाँ पे होस्टेज के अंदर नहीं रखा जा सकता, उनको यहाँ पे किसी वॉर के अंदर नहीं भेजा सकता, उनकी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखा जाएगा और उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे जल्द से जल्द विदाउट एनी डिले अगर उन्हें यहाँ पे अपने परिवार से मिलना है तो उनको अब उनके परिवार से भी मिलने की इजाज़त दी जाएगी। और यहाँ पे अगर उन्हें ऐसा कोई किताब चाहिए या कोई केयर पैकेज चाहिए जो कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री से, बाहर की कंट्री से कहीं डिमांडेड है, तो वो बाहर की कंट्री से भी यहाँ पे मंगवाए जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर चीजें हैं। नाउ व्हाट डू द प्रोविजन से अबाउट द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स, यहाँ पे प्रिजनर्स के रिलीज के लिए क्या कहते हैं? पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट आर बाउंड टू सेंड बैक, दे आर बाउंडेड, यहाँ पे दे आर लीगली बाउंडेड, उनको वापस भेजना ही पड़ेगा, रिपैट्रिएट करना ही पड़ेगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर रैंक के हो। जो वहां पे इल है उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट कराए फिर उन्हें वापस भेजे, ये प्रावधान भी यहाँ पे जनेवा कन्वेंशन के अंदर लिखा हुआ है। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 1971 की जब वॉर हुई थी उसके एंड में इंडिया के पास 80,000 पाकिस्तानी ट्रूप थे, 80,000 हमारे पास पाकिस्तान के सोल्जर्स थे जिन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। और इंडिया ने यहाँ पे उनको रिलीज किया था अंडर द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। और ये पाकिस्तान के ऊपर था कि पाकिस्तान यहाँ पे यूनिलेटरली रिलीज करे अभिनंदन जी को या नेगोशिएट कर सकता था इंडिया के साथ, बट पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर था कि यहाँ पे पाकिस्तान ने यूनिलेटरली ही अभिनंदन जी को रिलीज किया। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक छोटा सा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन लुक आफ्टर करता है यहाँ पे कि जनेवा कन्वेंशन को अच्छी तरीके से फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं। देखो मान लो कि दो पार्टी यहाँ पे लड़ रही है, एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, तो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं दी प्रोटेक्टिंग पावर्स। जो प्रोटेक्टिंग पावर्स होती है वो इंश्योर करती है कि जनेवा कन्वेंशन को दोनों पार्टी ही अच्छी तरीके से फॉलो करें। मान लो किसी सी देश को यहाँ पे प्रोटेक्टिंग पावर बना दिया गया है, तो वो जो सी देश है वो देश होगा जो कि ना ही ए को सपोर्ट कर रहा है ना ही यहाँ पे बी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन प्रैक्टिस, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस है वो इस इंपॉर्टेंट रोल को निभाती है और प्रोटेक्टिंग पावर के रूप में यहाँ पे सारी की सारी चीजें करती है। जब कारगिल वॉर हुई थी उस समय पर भी पाकिस्तान के पास हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जी थे, उन्होंने उन्हें रिटर्न किया था 8 दिन के बाद। और यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट किया गया था वाजपेयी सरकार द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, पर यहाँ पे हमारे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जी कैप्टिविटी के अंदर ही यहाँ पे शहीद हो गए थे, उनको बहुत ही पास से गोली मारी गई थी। ओके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें हमारे सामने आई थी। मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट निशिकेता जी को बचाते हुए उनको, तो यहाँ पे जो लेफ्ट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जी हैं वो भी पाकिस्तान की सरहद के अंदर एंटर कर गए थे अपने दोस्त को बचाते हुए। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीजें थी। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है सुषमा सेज इंडियाज एयर स्ट्राइक वॉज प्री एम्प्टिव। तो यहाँ पे RIC की मीटिंग चल रही थी, रशिया इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में यहाँ पे मुलाकात कर रहे थे चाइना के अंदर। और वहां पे इंडिया ने ब्रीफिंग की रशिया के साथ चाइना के साथ कि किस तरीके से सारे के सारे इवेंट हुए और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जो कि पुलवामा अटैक से रिलेट की हुई थी। इंडिया ने इस चीज को भी बताया कि हमारी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, हम लोगों ने किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर यहाँ पे कोई अटैक नहीं किया, किन्हीं भी सिविलियंस को फोकस नहीं किया, हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ जो टेरर ग्रुपिंग्स है उनके खिलाफ है। और यहाँ पे यही बोला है कि टेरर अटैक इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इम्प्यूनिटी एंड कवर प्रोवाइडेड टू जैश मोहम्मद एंड इट्स लीडर बाय द पाकिस्तानी साइड। तो कि यहां पे जो टेरर अटैक जो इंडिया के अंदर हो रहे हैं वो डायरेक्टली पाकिस्तान के सपोर्ट की मदद से हो रहे हैं, मतलब दे आर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स, जो टेररिस्ट को यहां पे स्टेट स्पॉन्सर करता है। ओके, इन सब चीजों को यहां पे साफ किया गया। नाउ चाइना ऑफर्स टेसिक सपोर्ट टू इंडिया, तो बेसिकली चाइना का इसमें क्या मत है,
चाइना ने वो जो थिन लाइन थी उसको ब्रेक करते हुए ये बोला कि हाँ, इंडिया की जो एयर स्ट्राइक थी वो यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप के खिलाफ थी। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट था कि चाइना ने इस चीज को साफ किया। बट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन चाइना ने इस चीज को भी बोला कि चाइना क्या है, चाइना एक म्यूचुअल फ्रेंड है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, दोनों का ही दोस्त है और चाइना चाहता है कि दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत से अच्छी तरीके से सुलह की जाए। और ये भी बोला यहाँ पे कि जो पाकिस्तान है, ओके, इट हैज ऑलवेज बीन अपोज टू टेररिज्म, कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहता है। इस चीज को यहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ किया। बट ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट किया, कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ जैश मोहम्मद के जो टेरर कैंप्स थे उनके ऊपर फोकस किया। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सिर्फ चाइना ही ऐसा है जो कि बार बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए जैश मोहम्मद के चीफ को बचा ले जाता है और हम लोग मसूद अजहर को यहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में नहीं डलवा पाते। ओके, म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पे बोला इंडिया और पाकिस्तान को, और मीडिएशन का यहाँ पे एक सहारा दिखाया, बोला कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ना कि कोई अपोजिट रोल। आप देख सकते हो ये चाइना के यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पे हमारी फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी। तो ये पर्टिकुलर न्यूज थी। आगे बढ़ते हैं, एपी गेट्स न्यू साउथ कोस्ट रेलवे जोन। तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, जब आंध्र प्रदेश का बायफर्गेशन हुआ था 2014 के अंदर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे, उस पर्टिकुलर समय पर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से वादा किया गया था। और आइटम 6 जो है शेड्यूल 13 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द आंध्र प्रदेश रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2014 का, उसके अंदर ये भी है कि इंडियन रेलवे वॉज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू रेलवे जोन, तो नया रेलवे जोन बनाएगा जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर। और फाइनली वो चीज हमें सफल होती नजर आई, एक नया रेलवे जोन बन गया है आंध्र प्रदेश के अंदर जिसका नाम होगा साउथ कोस्ट रेलवेज। ओके, इसके अंदर यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुंताकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिविजन्स होंगे। एडिशनली जो वोल्टायर डिविजन होगा इट वुड ऑल्सो बी बायफर्गेटेड। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, यहाँ पे आपको खबर मिलती है मॉडिफाइड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एविक्शन ऑर्डर। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो एविक्शन ऑर्डर था उसको वापस ले लिया। ओके, बट ये उससे पहले कि हम लोग खबर डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, एक एप्लीकेशन फाइल करी थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फरवरी 13 वाला जो डिसीजन था जिसके अंदर यहाँ पे जो 21 स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज थे उनको ये बोला गया था कि जिन लोगों को यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं उनको जल्द से जल्द एविक्ट किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए उन्हें फॉरेस्ट से, क्योंकि उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज में बोला कि इसकी मदद से यहाँ पे बहुत सारे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको एविक्ट किया जा रहा है, उनको राइट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं जो कि बहुत गलत है, इस चीज को बोला। और यहाँ पे बोला है सेंटर ने क्लेम करते हुए कि लैक्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एसटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैड बीन रिजेक्टेड बाय द स्टेट्स विदाउट ऑब्जर्विंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया है। आपके पॉलिटी के अंदर आप लोगों ने दो डिवीजन पढ़े होंगे, एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो ग्लोबल आउटलुक क्या है यहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जिसको इंडिया यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया। नंबर 1 बोला है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, इक्वल राइट ऑफ द ह्यूमन फैमिली, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इसके साथ साथ यूएन कन्वेंशन कंसर्निंग द इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पे कहता है कि जो ओनरशिप राइट है उन पॉपुलेशन का जो कि ट्रेडिशनली उस पर्टिकुलर लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे इस केस में यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है उनको यहाँ पे राइट है, इस पर्टिकुलर राइट के वाले जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है इंडिया ने इसको भी रेटिफाई किया हुआ है। तीसरा है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स, कि यहाँ पे जो मैंडेट दिया गया है कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल टू लैंड टेरिटरी एंड रिसोर्सेज जो कि वो ओन करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, इंडिया इसका भी सिग्नेटरी है। साथ ही यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि एडवोकेट करता है कि जो इंडिजीनियस नॉलेज और प्रैक्टिसेस हैं हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, इंडिया इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। साथ ही यहाँ पे है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो कि प्रोक्लेम करता है कि इंडिजीनियस जो लोग हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन है और इंडिया आप देखोगे इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। और आप इसके साथ साथ जो 1st of March की जो न्यूज़ है उसको देखना, मैंने उसके अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं।
ओके तो इसी के अंदर यहाँ पे बाकी सारी चीजों को रखा गया है, कुछ डेटा को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि 2014 के अंदर लेटर भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाईलाइट करते हुए कि इतने ज्यादा क्लेम्स को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, रिजेक्शन ऑर्डर को क्यों नहीं बताया जा रहा, लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उनके जो राइट्स हैं उनको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ 5% ही यहाँ पे जो लोग थे उनका यहाँ पे रियल इन्वेस्टिगेशन किया गया, रियल सर्वे किया गया, बाकी लोगों के बस जो राइट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखोगे 2018 के नवंबर तक जिन लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली थी उनमें से सिर्फ 46% लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हुई। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने सवाल उठाए हैं कि इतना ज्यादा कम जो राइट्स क्यों दिए गए और किन किन लोगों को ध्यान दिए गए। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है और देखते हैं कि आगे कैसे कैसे चीज बढ़ती है। यहाँ पे आपके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्राइन। यहाँ पे अगर जनरल सेंस में बोलूं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो डॉक्ट्राइन होता है आप उसे कह सकते हो कि इट इज इक्वल्स टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो भी प्रोसीजर लॉ ने एस्टैब्लिश किए हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया गया है या नहीं, उन्हें हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर देखते हैं। बट इसके अंदर जो चीज हम लोग नहीं देखते वो ये है कि कोई भी अगर जो लॉ है, जो प्रोसीजर है, वो यहाँ पे फेयर होना चाहिए और जस्टिफाइबल होना चाहिए और वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए और किसी को भी यहाँ पे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। सबके राइट्स जो हैं उन्हें कंजर्व करना चाहिए। उन चीजों को भी जब हम लोग चेक करने लगते हैं तो हमारे सामने आ जाता है द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये चेक करता है, इट इज अ लॉ टू चेक कि यहाँ पे डिप्राइव ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी किसी भी पर्सन का यहाँ पे नहीं हुआ हो, यहाँ पे जो लॉ है वो फेयरली बनाया गया हो, आर्बिट्रली नहीं बनाया गया हो। और अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड आउट करती है कि कोई लॉ फेयर नहीं है, सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकती है। नाउ दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स फॉर मोर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और इस लॉ के अंदर यहाँ पे फेयरनेस देखा जाता है, फंडामेंटल राइट्स देखे जाते हैं, लिबर्टी का ध्यान रखा जाता है, फंडामेंटल फेयरनेस देखी जाती है, जस्टिस देखी जाती है किसी भी लेजिस्लेशन की। ओके सो ये था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। साथ ही यहाँ पे वी विल हैव एन इंटरेस्टिंग डायलॉग सेज किम। तो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके बीच में जो मीटिंग थी वो हो चुकी है, हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीटिंग है वो फेल हो गई है, जो चीज मैं यहाँ पे बार बार कह रहा था कि वो फेल होनी ही है, क्योंकि यहाँ पे जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं मानेंगे कि जो सैंक्शंस यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं वो वापस ले लिए जाए, जब तक यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी पूरी की पूरी तरीके से डिसआर्मामेंट की तरह या डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा शब्द है ये डीन्यूक्लियराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका जो डायरेक्ट जो डीलिंग है वो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल से है, उन वेपन से है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उनको यहाँ पे खत्म करने की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 16 महीनों में जब यहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके बीच में, उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करी है नॉर्थ कोरिया ने। तो अमेरिका इस बात से खुश है और नेगोशिएशन आगे भी बढ़ती रहेंगी। बट नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है कि यहाँ पर उसके ऊपर जो हेक्टिक सैंक्शंस लगे हुए हैं वो कम हो जाएं और वो भी धीरे धीरे जिस चीज़ को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं उसकी तरफ हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आए। आगे आपको खबर मिली पेज नंबर 13 पे, गवर्नमेंट डिटेक्ट्स 20,000 करोड़ जीएसटी इवेजन एंड 10,000 करोड़ रिकवर्ड। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि 20,000 करोड़ रुपी का यहाँ पे जीएसटी इवेजन देखने को मिला इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के अंदर और भारत सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि हम लोग फ्रॉड और को कर्व कर सके और टैक्स कंप्लायंस को यहाँ पे बढ़ा सके। बेसिकली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के एक मेंबर है इन्वेस्टिगेशन के जॉन जोसेफ, उनका यह कहना है कि अप्रैल और फरवरी 2018 और 19 के बीच में जीएसटी का एविजन हुआ 20,000 करोड़ रुपीस का, जिनमें से 10,000 करोड़ रुपीस को रिकवर कर लिया गया था। टैक्स ऑफिसर्स का यह भी मानना है यहाँ पे कि लोग क्या कर रहे हैं, फेक इनवॉइसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपीस के फेक इनवॉइसेस हमें बनते हुए नजर आए, जिसकी मदद से लोग जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर पाए थे 75 करोड़ रुपीस का। मतलब फेक इनवॉइस इसलिए बना लेते हैं कि सरकार से उन्हें यहाँ पे रिबेट मिल सके। ओके और यहाँ पे ये बोला गया कि 5 से 10% जो बिजनेसेस होते हैं दे आर ब्लैक शीप्स,
ब्लैक शीप्स मतलब वो बिजनेस होते हैं जो कि यहाँ पे एक ब्लैक इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे सरकार का पागल बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे फेक इनवॉइसेस वगैरह बनाकर सरकार से क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, पैसे लेने की कोशिश करते हैं और अपनी एक साइड में ही एक पैरेलल इकोनॉमी रन करने की कोशिश करते हैं। इनके चक्कर में जो जेन्युइन बिजनेसमैन होते हैं उनको भी सफरिंग करनी पड़ती है। इंडियन गवर्नमेंट यही फोकस कर रही है कि जो जेन्युइन गवर्नमेंट बिजनेसेस वाले जो लोग हैं उनको सफर ना करना पड़े। साथ ही जो बिल्डर्स हैं अब वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन इंडियन गवर्नमेंट ने बदल दी है और बहुत सारे जो टैक्सेस लगते थे उनको भी यहां पे डिक्रीज कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही सेंटर ब्रिंग्स 42 नॉन शेड्यूल्ड कैंसर ड्रग्स अंडर द प्राइस कंट्रोल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 42 नॉन शेड्यूल्ड कैंसर ड्रग्स को प्राइस कंट्रोल के अंदर लेकर आए हैं, उनके ऊपर कैपिंग लगा दी है कि जो ट्रेड मार्जिन है वो 30% का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, जिसकी मदद से जो रिटेल प्राइसेस हैं वो मैं 85% से कम होते हुए नजर आएंगे। तो जो हमारी एनपीपीए है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसने यहाँ पे इन्वोक करी है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन द पब्लिक इंटरेस्ट जो कि पैरा नंबर 19 ऑफ द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर लिखा हुआ है कि वो कुछ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी ड्रग के ऊपर प्राइस कंट्रोल लगा सकते हैं। तो 42 नॉन शेड्यूल एंटी कैंसर ड्रग्स को प्राइस कंट्रोल के ऊपर लेकर आए हैं तो ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन और यहाँ पे पैराग्राफ 19 को इम्प्लीमेंट किया गया। जो ड्रग मैन्युफैक्चर है उसने यहाँ पे 7 days दिए हैं कि जो कंपनी है वो अपने प्राइजेस को रिकैलकुलेट करें और फिर यहाँ पे इन्फॉर्म करें एनपीपीए को। तो एनपीपीए बेसिकली करेंटली फिक्स करती है बहुत सारे ड्रग्स के प्राइजेस को जो कि यहाँ पे हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर प्लेस्ड हैं अंडर द शेड्यूल वन ऑफ द एनपीसीओ। अभी आप देखोगे करेंटली 1000 जो ड्रग्स हैं उनको प्राइस कंट्रोल के अंदर हम लोग लेकर आ गए हैं और जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स होते हैं जिनको यहाँ पे शेड्यूल कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता, कहीं पे वो लिस्टेड नहीं है, वो यहाँ पे हर साल सिर्फ अपने 10% ही प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एनपीपीए के बारे में कुछ चीजें। व्हाट इज दिस एनपीपीए? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंदर आती है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगी, नहीं, इसका रिलेशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से है। काम क्या है? फिक्स करती है, रिवाइज करती है जो कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स के प्राइजेस होते हैं उनको फॉर्मुलेट करती है। तो प्राइस को फिक्स करना, फॉर्मुलेट करना इसकी मेन जिम्मेदारी है। यहाँ पे प्राइसेस को एनफोर्स करना और मेडिसिन अवेलेबल रहे अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर ओवर चार्ज करता है अपने कंज्यूमर्स को तो यहाँ पे उनके पैसे रिकवर करके कंज्यूमर तक भी पहुंचाने का काम एनपीपीए करती है। सीलिंग लगाती है एसेंशियल मेडिसिनल की लिस्ट के अंदर जो कि यहाँ पे शेड्यूल वन ऑफ डीपीसीओ के अंदर आते हैं और मेडिसिन के जो नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन हैं उनके प्राइस 10% एनुअली से ज्यादा ना बढ़े, ये भी जिम्मेदारी यहाँ पे एमपीपीए ही रखती है। आगे आखिरी पेज पेज नंबर 18 पे आपको खबर मिलती है पार्किंसन ड्रग ट्रायल ऑफर ग्लिमर ऑफ होप फॉर सेल रिपेयर। सबसे पहले पार्किंसन डिजीज के बारे में कुछ चीजें। बेसिकली एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो कि यहाँ पे जो 65+ वाले लोग होते हैं, जो ओल्डरली पीपल होते हैं, उनको यहाँ पे ये बीमारी होती है। बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। इसके अंदर हम लोगों को नॉन मोटर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि इंक्रीज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों की बॉडी शेकी होने लगती है, बॉडी में रिजिडिटी आने लगती है, मूवमेंट स्लो होने लगती है। तो बेसिकली आपका जो ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई चीज सोच रहे हो और यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करते हो अपने किसी बॉडी मूवमेंट को तो वो मूवमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे जो ब्रेन सेल होते हैं दे गेट डैमेज। तो ब्रेन सेल क्या हो जाती है यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, जो पार्किंसन डिजीज का जो कॉज है वो अभी तक अननोन है, कोई भी पता ही नहीं लगा पाया है कि किस वजह से होती है, बट लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों फैक्टर की वजह से होते हैं। हमारे पास इनकी कोई दवाइयां नहीं थी पर यहाँ पे एक प्रोटीन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। क्या हुआ है, मान लो ये हमारा ब्रेन है। ओके, माय ड्रॉइंग इज नॉट दैट गुड, बट यहाँ पे ब्रेन के अंदर एक टैबलेट, एक कैप्सूल लाइक चीज, एक ट्यूब लाइक चीज यहाँ पे डाली जाती है और हर महीने एक नई चीज डाली जा रही है। क्लिनिकल ट्रायल्स में उसको अभी प्रूव नहीं किया गया है बट ये लोगों के अंदर डाला गया है, एक बहुत ही हमें प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है। व्हाट इज दिस पार्किंसंस? इट्स अ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज जो कि सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही इम्पैक्ट करती है जिनकी एज 65 से
ज्यादा है। 41 पेशेंट्स के ऊपर यहाँ पे ट्रायल किया गया, रोबोट असिस्टेड ये सर्जरी थी, तो रोबोट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है उनके ब्रेन्स के अंदर इस पर्टिकुलर ट्यूब को डालने के लिए, और एक सफल एक्सपेरिमेंट रहा, ट्रीटमेंट रहा, जिसको यहाँ पे बोलते हैं ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसे प्लेस करते हैं डायरेक्टली अफेक्टेड ब्रेन के एरिया के अंदर, और कुछ हमें जो ब्रेन सेल है वो रिकवर होते हुए भी नजर आए। आपके सामने एक और चीज, नेशनल साइंस डे था 28 फरवरी को। ओके, तो हम लोग नेशनल साइंस डे बनाते हैं 28 फरवरी को, और हम लोग इस दिन को इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो इंडियन फिजिसिस्ट हैं सर सीवी रमन, उन्होंने यहाँ पे रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था 28 फरवरी 1928 को। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में, और 2019 का जो यहाँ पे साल है यहाँ पे नेशनल साइंस डे के लिए, उसका थीम है साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस, लोगों के लिए साइंस और साइंस भी लोगों के लिए। रमन स्कैटरिंग क्या होती है देखो, इसको नॉर्मली समझो, ये है यहाँ पे आसमान, ये है यहाँ पे स्काई, आपको स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे बेसिकली मैं तो रेड बना रहा हूँ बट स्काई का कलर आप लोगों को ब्लू ही दिखता है। अब रीजन क्या है कि आपको स्काई का कलर ब्लू दिखता है, रीजन ये है कि जब भी यहाँ पे कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म लाइक सब्सटेंस में या कोई कोलोइडल चीज में या वाटर ड्रॉपलेट्स में पास करती है तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है स्पेक्ट्रम के अंदर, जिन्हें हम लोग 7 कलर्स में देखते हैं, जिन्हें हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। अब विबग्योर में सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पे कोई अगर वेव है वो जब अपना एक साइकिल पूरा करती है, ओके, एक साइकिल जैसे यहां से हम लोग देखें तो यहां से यहां तक जो एक साइकिल होगी वो हमें एक साइकिल कहते हैं, कि जब एक साइकिल पूरा करती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी इंटेंसिटी कम होती है, तो रेड की जो फैलने की इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे वैसे वायलेट की होगी, बट ब्लू हमारा बेसिक कलर होता है तो ब्लू सबसे ज्यादा फैलता है। इस वजह से यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लोराइड सॉल्यूशन की वजह से ब्लू कलर पूरे जगह पर ज्यादा स्कैटर हो जाता है, इस वजह से हमें जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। इस चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर रमन स्कैटरिंग की तरफ से प्रूफ किया गया, बोला गया कि जब भी हम लोग इंसिडेंट लाइट यहाँ पे किसी सैंपल के अंदर डालते हैं कुछ ऐसी लाइट जाती है बाहर जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है, जो सेम वेवलेंथ वाली जो लाइट्स होती हैं उन लोग हम लोग रेले स्कैटर के नाम से जानते हैं, रेले लाइट के नाम से जानते हैं। कुछ यहाँ पे लाइट की जो यहाँ पे आप देखोगे वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, उन डिफरेंट वेवलेंथ वालों को हम लोग रमन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। सिंपल सेंस में ये है रमन स्कैटरिंग। साथ ही दिल्ली की तरफ से एक पर्टिकुलर आपको न्यूज देखने को मिलती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली कंडक्ट किया गया और यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मेजर किया गया था, बताया गया है कैपिटल के अंदर दिल्ली के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पे 12.72% था ज्योग्राफिकल एरिया का 2015 में, वो 12.97% हो गया है 2017 के अंदर। जो ट्री कवर था वो भी बड़ा है, 7.48% था 2015 के अंदर, वो 7.62% हो गया है। छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस होता है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कवर क्या होता है इंडिया के अंदर, जितनी भी जमीन है जो यहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज्यादा की है विद अ ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन 10%, ओके, उसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर या ट्री पैचेस क्या होते हैं, बेसिकली आउटसाइड जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं फॉरेस्ट कवर के लिए, और यहाँ पे दे आर लेस देन अ मिनिमम मैपेबल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, उनको यहाँ पे ट्री कवर के अंदर देखा जाता है, और इन दोनों से भी बाहर क्या होते हैं द ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। साथ ही आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी 28 फरवरी के, सॉरी फॉर बीइंग लेट, आज के जो पेपर है उसको यही एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।